नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूं? आप सभी को हमारी आवाज़ आ रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ऑडिबल हूँ, स्क्रीन पर दिख रहा मैटर आपको सही दिखाई दे रहा है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो बोलिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था और मुझे लगता है कि हर बैच को इस टॉपिक की ज़रूरत थी, और हमने छतौनी में एक बैच ख़त्म कर दिया, चंदारी में गए, मतलब जो भी बैच हम ख़त्म कर दिए उस बैच में भी हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हुए थे। तो सोचे कि आप लोग भी, जो लोग नए होंगे वो लोग भी इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, और जो पुराने हमारे बैच में पहले से पढ़ रहे हैं, जिनका बैच ख़त्म हो गया है, वो भी इस टॉपिक को पढ़ लें, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक था। तो चलिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं। आज क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं, बल्कि आज टॉपिक है जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सीटेट में इसे 2 से 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जान लीजिएगा तो आपको, ऑनलाइन एग्जाम चूँकि हो रहा है सीटेट में, तो इससे सवाल आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था, और सभी का शिकायत भी दूर हो जाएगा और थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन पूरा डिटेल हम बना करके लाए हुए हैं और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बोलिए, क्लियर है सब कुछ? यस नो कीजिएगा। पढ़ने के लिए तैयार हैं? सर क्लास कब से चलेगा? क्लास कब से चलेगा, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं बाबू आप? अभी तो कल जो है ये इसका छुट्टी होगा, मुहर्रम का छुट्टी है, ठीक है, तो कल के बाद ही अब परसों डलाया जाएगा डिसीजन। ठीक है, तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए? सब क्लियर हैं? चलिए, फिर स्क्रीन पर आपको मैटर दिखेगा और आप लोग ध्यान से हमारे बात को सुनेगा। आवाज़ ठीक है ना? आवाज़ कम तो नहीं है, बताइएगा, आवाज़ कम तो नहीं है ना? आवाज़ प्रॉपर है ना? क्योंकि माइक हम नहीं लगाए हुए हैं, तो प्रॉपर आवाज़ जा रही है कि नहीं ये बता दीजिए पहले। प्रॉपर आवाज़ जा रही है? न्यू क्लास में एडमिशन लेना है MS कोचिंग सेंटर। रक्षाबंधन बाद बाबू आप संपर्क कर लीजिएगा हमसे, क्योंकि अभी कोचिंग बंद रहेगा, रक्षाबंधन है, मुहर्रम है, तो इस समय थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा 2-3 दिन। रक्षाबंधन बाद आइएगा, नया क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, प्रॉपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं हूँ आपके साथ में आदित्य, और एएन टीचिंग सेंटर की तरफ से यह संस्था चलाया जा रहा है, ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। सब लोग ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा, ठीक है ना? स्टार्ट दे करके सबसे पहले हम आपको NEP 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, मतलब उसके डिटेल जानकारी को पहले समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में इस पर आधारित हम क्वेश्चन को भी करेंगे, किस किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का संग्रह भी हम लेकर के इसमें आए हुए हैं। तो पहले आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो भी इसका क्वेश्चन है, जो भी इसके आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीटेट में, उस सारे क्वेश्चन भी हम आपको लेकर के आए। लास्ट में जब पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल, तो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करा दूँगा, ठीक है? प्रॉपर ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, जो मैटर स्क्रीन पर है वो प्रॉपर मैटर दिखाई दे रहा है, एक बार बताइएगा, क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है और राइटिंग तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया अच्छा लिखने का, तो राइटिंग मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो ये आपको दिख रहा है ना, पढ़ा, मतलब पढ़ा जा रहा है ना, इतना हम पूछना चाह रहे हैं, बताइएगा। राइटिंग में थोड़ा कमज़ोर बालक थे हम शुरू से, तो हमारा अक्षर उतना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किए हैं सुंदर लिखने का, ठीक है? अरे पहले पढ़ तो लो द्रक्षा अंजुम, पहले पढ़ तो लो, ग्रुप में भेज देंगे, चिंता मत करो। सर साफ साफ नहीं आ रहा, साफ साफ नहीं आ रहा, प्रेस नहीं है। अच्छा, प्रेस नहीं है क्या? पहले कंफर्म करो, प्रेस नहीं दिख रहा है क्या? पहले तो आप अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 पे कीजिए, प्रेस दिखेगा। प्रेस दिख रहा है कि नहीं? यस नो कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अ
अरे कोई कह रहा दिख रहा है, कोई कह रहा नहीं दिख रहा है, ये क्या है भाई? फ्रेश दिख रहा है हाँ, जिसको नहीं दिख रहा अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ाइए, दिखेगा ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए सभी लोग, वीडियो क्वालिटी 360 पे कीजिए, 360 पर कीजिएगा, और थोड़ा सा हम इसको बड़ा भी कर देंगे, थोड़ा सा हम उसको बड़ा भी कर देंगे। दिख रहा है अब तो? दिख रहा हो यार, अभी बताओ। हाँ 360 पर कीजिए, 360 पर प्रॉपर आपको दिखेगा, ठीक है ना, प्रॉपर दिखेगा 360 पर, 360 पे अच्छा से दिखेगा। आज आप लोग बिना कुछ सोचे लाइक शेयर कीजिएगा, अब ठीक है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टार वन पर चर्चा करते हैं। शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत के शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शिक्षा नीति 2020 जो है वो भारत का, हमारे इंडिया का NEP है, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानेंगे। तो 2020 का जो शिक्षा नीति है वो कहाँ का शिक्षा नीति है, तो हमारे भारत का शिक्षा नीति है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि भारत सरकार के द्वारा इसको 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है, मतलब आपको डेट यहाँ पर दिख रहा होगा 29 जुलाई 2020 को इसको घोषित किया गया, और सन 1986 के बाद में, ठीक है ना, सन 1986 के बाद में 34 साल बाद ये NEP, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में 34 साल बाद आया है, ठीक है ना, 34 ईयर बाद। मतलब इसके पहले जो शिक्षा नीति आया हुआ था वो 1986 में आया था, और 1986 के बाद में डायरेक्ट अभी 2020 में आए हैं। तो अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम जिसको मानेंगे वो हमारा 2020 वाला ही होगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कहिएगा, कहता है कि यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। हाँ, इसका अंडरलाइन, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, यह नीति किसके अध्यक्षता वाली समिति पर रिपोर्ट पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा इसको, के कस्तूरी रंगन, इनका नाम आप याद रखना है, अंडरलाइन करके रखिएगा, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में यह रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया था, ठीक है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट में कहता है, भैया ये कोई भी नोट्स में नहीं है, ये हमने PDF बनाया आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ये किसी नोट्स में नहीं है, क्लास जब हम आपको करा लेंगे तो आपको ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में कहता है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है, इस चीज़ को भी आप अंडरलाइन के लिए, ठीक है ना, सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए कि नई शिक्षा नीति जो है, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आपको अंडरलाइन रखना है, ठीक है ना, आपको यह सोचना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था उसमें मानव MHRD मिनिस्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं MHRD मिनिस्टर, उसी को मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय या विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसको, उसका नाम परिवर्तित करके एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 20 जो है वो वर्ष 1968, मतलब 1968 में सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा नीति आया हुआ था, उसके बाद दूसरी बार आया हमारे देश में 1986 में, और उसके बाद तीसरी बार आया है हमारे देश में ये 2020 में शिक्षा नीति, ठीक है ना। तो 2020 में जो शिक्षा नीति आया है वो हमारे देश का तीसरा शिक्षा नीति है, कि इसके पहले दो शिक्षा नीति हमारे देश में आ चुका है, सबसे पहला कब, सबसे पहला 1968 में, और दूसरा हमारे पास में आया था कब बताइएगा, तो दूसरा हमारे पास में आया था 1986 में, और अभी जो आया है वो हमारा 2020 में है, मतलब 2020 में है। तो भारत, स्वतंत्र भारत का तीसरा शिक्षा नीति हमारा कौन सा है, तो 2020 वाला है,
पहला कौन था तो 1968 वाला, दूसरा कौन था तो 1986 वाला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में 2020 में जो शिक्षा नीति आया है वो कितने साल बाद आया है, तो आपका कहना होगा 34 साल बाद, क्योंकि 1986 के बाद में अगर 2020 के काउंट कीजिएगा तो 1986 से 2020 तक का जो समय है वो 34 ईयर आ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि 34 साल बाद हमारे देश में नया शिक्षा नीति बन करके आया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पहले ऐसे समझा रहे थे हम आपको, बातें समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, ये क्लास टाइप का ये मटेरियल है, ठीक है ना? चीज़ें समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रहा है? देखिए, दो तीन बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली बार 1968 में आया था, दूसरी बार 1986 में आया था, सबसे तीसरी बार आया था हमारे 2020 में, किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया, के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, है ना? मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री मतलब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में, ठीक है? उसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता है नेक्स्ट में कि एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी है ना 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो 6% मतलब पूरे देश के जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो किस पर खर्चा किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र पर, एजुकेशन के एरिया पर खर्चा किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 के अंतर्गत में, ठीक है? मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह बातें कहता है कि भारत के जीडीपी का 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा, ठीक है ना? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पूरे जो है जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र पर ख़त्म होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 6% हिस्सा जो है ये इस पर लगाया जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आइएगा। कहता है नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पहले जो अभी वर्तमान में जो सक्रिय शिक्षा पद्धति है, शैक्षणिक मॉडल है, वो हमारा क्या है बताइएगा, 10+2 वाला मॉडल है, ठीक है ना? और 10+2 वाला मॉडल है, लेकिन उस 10+2 के मॉडल को बदल करके हमारा देश अब जो है नया शिक्षा नीति में बताया है कौन सा प्रणाली, कौन सा मॉडल, तो 5+3+3+4। अब इस बात को अंडरलाइन करना है, याद रखना है आपको, ठीक है ना? याद ये रखना है कि 10+2 वाले शिक्षा शैक्षिक मॉडल को बदल करके 2020 वाले नए शिक्षा नीति में किस मॉडल पर आधारित किया गया है, तो आपको याद रखना होगा 5+3+3+4। हम आपको आगे भी बताएंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है, और 10+2 तो आप जानते ही होंगे कि 10th करने के बाद में 2+2 करना अभी तक वर्तमान में तो वही चल रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को, इस मॉडल को बदल करके अब हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगा तो उसमें 5+3+3 मॉडल के स्वरूप को पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर, एनईपी 2020 के अंतर्गत में MHRD का नाम बदलकर, वही हम आपको बोले हैं MHRD मतलब मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय, उसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं MHRD, ठीक है? तो एनईपी 2020 के अंतर्गत में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा और सीखना मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। मतलब एनईपी 2020 के अंतर्गत में MHRD मिनिस्टर का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे एक ही उद्देश्य और टारगेट है कि एजुकेशन एंड लर्निंग मतलब शिक्षा और सीखने पर जोर देना है, इसी पर ध्यान आकर्षित करते हुए MHRD का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। बोले क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं कहाँ पर, प्रारंभिक शिक्षा की तरफ में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में एनईपी 2020 क्या सोचता है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या क्या बदलाव किया। अभी तक हम आपको बहुत चीज़ बता चुके हैं। सबसे पहला बात तो बताएं कि हमारे देश में शिक्षा नीति तीसरी बार आया है 2020 में, 34 साल बाद आया है हमारे देश में 2020 वाला शिक्षा नीति, पहली बार आया था 1968 में, दूसरी बार 86 में, तीसरी बार 2022 में के कस्तूरी रंगन के समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया है, और मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसलिए किया गया क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री के करने के पीछे उद्देश्य ये था कि शिक्षा और सीखने पर जोर देना है, एजुकेशन एंड लर्निंग पर जोर देना है, इसी पर ध्यान आकर्षित करते हुए MHRD का नाम बदल करके, MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया बताइएगा, तो रख दिया गया हमारा शिक्षा मंत्रालय। बोलिए यहाँ तक समझ में आया बातें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ, ये बताओ समझ में आया?
अब आते हैं प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया पर, इसमें क्या कहता है। कहता है एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, मातृभाषा तो आप लोग समझते होंगे, मातृभाषा मीन्स मदर टंग, है ना, मदर टंग स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, वो अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। जब हम आपको एनसीएफ 2005 पढ़ाते थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो उसमें हम हमेशा आपको बताते थे कि प्रारंभिक विद्यालय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है किस भाषा का, मातृभाषा का। तो एनईपी 2020 में फिर से वह बात शामिल हो गया है और फिर से यहाँ पर बात इसी बात पर फोकस दिया गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 5 तक के बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा बोले तो मदर टंग, स्थानीय भाषा बोले तो लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा बोले तो रीजनल लैंग्वेज, है ना, तो रीजनल और क्षेत्रीय, स्थानीय और मदर टंग का ज़्यादा उपयोग करके उसके माध्यम से ज़्यादा सिखाने का प्रयास कराना है। एनईपी 2020 जो है कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर जोर देता है, बल देता है। क्लियर बात है, आगे आइएगा नेक्स्ट। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम मतलब एजुकेशन कोर्स का 2 समूह में विभाजन किया गया। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहला तो ये बात कि 3 से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है, जो एजुकेशन कोर्स है, उसको 2 समूह में विभाजित किया गया। कैसे नहीं दिख रहा है भाई, रंजना कुमारी पर ये सर दिख नहीं रहा है। अरे इतना कोई को दिखाई दे रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। हम बार बार कहते हैं आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए, मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए, आराम से दिखेगा भाई, ठीक है ना। आप जो कहा जाए पहले उतना कीजिए। आप अपने मोबाइल, हमको तो दिख रहा है अभी, देखिए हम अपने सामने भी मोबाइल रखे हुए हैं, एक से हम लाइव किए हुए, एक सामने मोबाइल हम खोल करके रखे हुए, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा सा एकदम क्लियरिटी है उसमें, ठीक है ना। कहता है 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम मतलब एजुकेशन कोर्स को 2 समूह में विभाजित किया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितने समूह में उसको विभाजित किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि उसको 2 समूह में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है। कहता है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब कह रहा है 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अगर 2 समूह में विभाजित किया गया, तो उसमें पहला समूह हमारा 3 से 6 वाला है, ठीक है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 2 समूह में विभाजित किया गया है, तो उसमें पहला समूह हमारा 3 से 6 वाला है। तो 3 से 6 वाला के लिए कहा गया कि बच्चा को प्री स्कूल में पढ़ाइए, बाल वाटिका में पढ़ाइए, आंगनबाड़ी में पढ़ाइए, मतलब जो भी आप कह दीजिए, प्ले स्कूल जिसको हम लोग कहें, चाहे बाल वाटिका हम इसको कहें, चाहे आंगनबाड़ी कहें, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से बच्चा को मुफ्त एवं सुरक्षित शिक्षा देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, क्योंकि प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता में सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। मतलब सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चा को 2 ग्रुप में बांटने का बात किया गया है, उस 2 ग्रुप में पहला ग्रुप हमारा 3 से 6 साल वाला है, और इस 3 से 6 साल वाले बच्चा को प्री स्कूल और बाल बटका और आंगनबाड़ी केंद्रों में के माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्या कहता है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए अब हम आपको बोले हैं अभी कि 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चा को 2 ग्रुप में बांटा गया, तो 1 ग्रुप हम बांट दिए 3 से 6 वाला को, 3 से 6 वाला जाएगा पढ़ने कहाँ पर, स्कूल में, प्री स्कूल में, बाल वाटिका में, आंगनबाड़ी में, ठीक है ना। अब बच गया 6 से 8 वाला, तो 6 से 8 वाला को भेजा जाएगा प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय मीन्स क्लास 1 में, क्लास 2 में उसको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा को 3 से 8 साल वाला के बच्चा को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो आप कहिएगा 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप 3 से 6 वाला है, जिसको बाल वाटिका और आंगनबाड़ी और प्री स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। और 6 से 8 वाला का एक दूसरा ग्रुप हो गया, जिसको क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत में वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ठीक है ना। अब इसी सकल नामांकन अनुपात को हम लोग बोलते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है ना। इसी को हम लोग GER के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग GER के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। तो नया शिक्षा नीति में ऐसा टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो हमारा सकल नामांकन अनुपात होगा,
जो हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होगा GER जो होगा उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। उसको क्या रखा गया है, 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला सवाल तो ये आपसे, दो तरह के इसमें इकोनॉमिक्स टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि GDP का कितना प्रतिशत खर्च शिक्षा पर होने वाला है तो आप क्या देंगे जवाब, बोलिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में GDP पर खर्च होने वाला कितना है बताइएगा, GDP कितना परसेंट खर्च करेगी बताइएगा, मतलब GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगा बताइए जल्दी से, कितना प्रतिशत, 6%, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपसे सवाल ये पूछे कि NEP 2020 के अंतर्गत में GER का टारगेट 100% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, किस वर्ष तक रखा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2030 तक रखा गया, ठीक है ना। तो GDP का होगा 6% खर्च शिक्षा के क्षेत्र पर, पहला पॉइंट याद रखिएगा। अगर GER मतलब इसको ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में सकल नामांकन अनुपात कहेंगे, उसको 100% रखने का लक्ष्य कहाँ, किस जो है ईस्वी तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। बोले क्लियर, समझ में आ रहे बातें, हाँ। चलो अब आइएगा कुछ प्रमुख बातें हम आपको कर लेते हैं। सबसे पहला बात यह है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मतलब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होगा, वही बात हम कर रहे थे GDP का, तो GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया, मतलब इस पर खर्चा किया जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब देखिए, जो भी हम आपको चीज़ें पढ़ाए हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका जवाब भी देना है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ भी होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जिसको हमने इसमें बताया नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन भी हम 2-4-5 क्वेश्चन रखे हैं, तो हम 25-30 क्वेश्चन आपको करा देंगे। फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया जो हम बातें बताएं। इसमें प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने ये देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत में सबसे लेटेस्ट वाला 2020 है, जो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात हमने देखा कि किसकी अध्यक्षता में होगा, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में वो रिपोर्ट तैयार किया गया है। तीसरी बात हमने देखा कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार आया था 1964 में, दूसरी बार 86 में, और तीसरी बार 2020 में, स्वतंत्र भारत का तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। GDP का 6% हिस्सा जो है शिक्षा के क्षेत्र पर खर्चा किया जाएगा, और 10+2 पद्धति के मॉडल को बदल करके 5+3+3 मॉडल बना दिया गया है। NEP 2020 के अंतर्गत में MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि शिक्षा और सीखने पर जोर देता है, मतलब एजुकेशन एंड लर्निंग पर जोर दे रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में हमने देखा यह कि कक्षा 5 तक के बच्चा को मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करना है, क्षेत्रीय भाषा स्थानीय भाषा में सिखाने का प्रयास करना है, और 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चा को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप 3 से 6 साल वाला होगा, जिसको आंगनबाड़ी बाल वाटिका आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाएगा, और दूसरा ग्रुप 6 से 8 वाला होगा, जिसको क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में जो हमारा GER का टारगेट है 100% रखने का, वो किस वर्ष तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है, और पूरे GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। बोलिए, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमको तो लग रहा है याद ही हो गया होगा आपके दिमाग में, ठीक है। PDF हम डाल देंगे जस्ट क्लास कराने के बाद में, टेलीग्राम में हम PDF दे देंगे, ठीक है ना। बोलिए, समझ में आया, जो हम अभी रिपीट किए हैं, जितना बात पढ़ाया ना वो सबको रिपीट किए हम, ठीक है, एकदम क्लास वाला माहौल है। ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते तो ऐसा ही हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ाने के पीछे रीज़न था कि इसमें पढ़ा देने पर सब कोई पढ़ लेगा, कोई भी बैच के आप हैं, नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, किसी भी बैच में, चंदमारी हो, छतौनी हो, चाहे यूट्यूब पर आप हमारे साथ रोज़ लाइव क्लास करते हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। और ये आपको बातें समझ में, इसलिए सामूहिक रूप से हमने यूट्यूब पर इसको करा दी, लेकिन फील आ रहा होगा आपको ऑफलाइन क्लास वाला ही, ऐसा नहीं लग रहा हो कि हाँ इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, सर क्लियर हुआ। चलिए अब आइएगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और जवाब दीजिए, और आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। जितना नंबर क्वेश्चन का जवाब हम मांगेंगे उतना ही नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। अब कोई 2 नंबर का जवाब मत देने लगना, जितना नंबर क्वेश्चन का कहे उतना ही नंबर का जवाब देना, ठीक है।
हाँ गुरुजी सुपर सुपर क्या समझाते हैं, मज़ा आ गया। अच्छा थैंक यू सो मच। कहता है एनईपी 2020 के अंतर्गत वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो अभी तो हम आपको बताएं कि 10+2 को बदलकर 5+3+3 मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अब पढ़ाएं उसी से सवाल आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी को हवा बना कर लोग रखा हुआ था कि ये है वो है फलना है चिलना है, एकदम आसान है जी, ठीक है ना। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। दो नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दो नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? परिवर्तन से कि संक्रमण से कि महंगाई वृद्धि से कि कुपोषण से? मतलब इस बात का चर्चा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है और 2020 में इसी टारगेट को लेते हुए हमारे पाठ्यक्रम में एक बेहतर बदलाव आया हुआ है, ठीक है ना। तो टारगेट वो हमारा कौन था कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? तो ये हमारे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बहुत लोग संक्रमण मार रहा है यार बेहुदा, और बहुत लोग महंगाई मार रहा है। अरे भैया पूरा विश्व जो है वो हमारे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आप जा कर के देखिए 34 साल पहले जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उस समय का युग जमाना और अभी के युग जमाने में अंतर है कि नहीं? और 34 साल क्या 10 साल पहले की कहानी को आप देखिए ना, 10 साल का जो पहले की कहानी थी, 10 साल का जो पहले का ज़माना था और 10 साल बाद का जो ज़माना है उसमें अंतर है कि नहीं है? तो ये हमारा परिवर्तन का ज़माना है और पूरा विश्व परिवर्तन से ही गुजर रहा है। न संक्रमण से होगा, न महंगाई वृद्धि से होगा, न कुपोषण से होगा। डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जितना नंबर क्वेश्चन का पूछेंगे उतना ही नंबर का जवाब आपको देना है, ठीक है। आगे आगे मत बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। कहता अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका चर्चा किया गया है। तो हम आपको बोले ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपको उसमें दिए तो नहीं है, लेकिन उसका चर्चा हम क्वेश्चन में कर देंगे तो आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन। तो अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? तो भारत। अगले दशक में अगर दुनिया का सबसे युवा देश होगा तो हमारा कौन होगा बताइएगा? भारत होगा, इंडिया होगा। डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते ही हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सही है, ठीक है। 4 नंबर का जवाब तो आपको पता ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिंदी में हम इसे कहते हैं। 5 नंबर का जवाब दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर का जवाब दीजिए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए अच्छे से। पता शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर 1 गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर, या जीवन पर्यटन शिक्षा पर, या समावेशी शिक्षा पर, या उपरोक्त सभी पर। हाँ तो उपरोक्त सभी पर 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, हमारे देश के बच्चों को जीवन पर्यटन सीखने का मौका दिया जाएगा, और तीसरा ये कि समावेशी शिक्षा का माहौल बनाना है। और हम आपको यह नहीं बताएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, जीवन प्रयत्न शिक्षा क्या होता है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या होता है। ये तीनों मेरा बताया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत में यह टारगेट रखा गया है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है, जीवन प्रयत्न शिक्षा देना है, और समावेशी शिक्षा का भी माहौल को बढ़ावा देना है। डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ठीक से पढ़िए और जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें कहता है प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है?
मतलब कहता है पुराने और सनातन भारतीय ज्ञान के विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही तैयार किया गया है। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति को तैयार किया गया है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किया गया था 1986 में, 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 1986 में। इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ये क्या कहता है, कहता है भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो हम आपको बताए हुए थे 1968 में सबसे पहले कोठारी कमीशन के आयोग की अनुशंसा पर हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कब हुआ था, 1968 में, 1968 में हुआ था। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 1968, 1968, ठीक है। अरे भैया पहली बार कह रहा है, दूसरी बार नहीं कह रहा है, ठीक है ना। दूसरी बार कहता तब 86 होता, 86 तो इसमें ऑप्शनों नहीं दिए हैं, 1968 ऑप्शन दिया, तो पहली बार हमारे 1968 में ही हुआ था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पर ये कहता है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी धराधर, अभी अभी बताएं कितने वर्षों बाद की गई ये घोषणा, बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में कितने वर्षों के बाद आया है, देखते हैं कौन जल्दी जवाब देता है एकदम धड़ाक से। ऑप्शन नंबर सी दिस राइट आंसर, 34 साल बाद, 1986 के बाद में हमारे देश में 2020 में शिक्षा नीति आया है, मतलब 34 साल, 34 ईयर आफ्टर 34 ईयर हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनकर के आया हुआ है। इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है PTR का पूरा नाम बताइए, जिसको हम लोग पीपल टीचर रेशियो, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, शिक्षक छात्र अनुपात या छात्र शिक्षक अनुपात या छात्र शिक्षा अनुपात या छात्र छात्रा अनुपात, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका सही हिंदी नेम क्या होता है, PTR का हिंदी विस्तारित रूप क्या होता है बताइएगा, शिक्षक छात्र अनुपात की छात्र शिक्षक अनुपात की छात्र शिक्षा अनुपात या छात्र छात्रा अनुपात। तो आपका इसमें सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, इसको हम बोलेंगे छात्र शिक्षक अनुपात, ऑप्शन नंबर 2 राइट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में अगर पूछना होगा तो इतना में से पूछ लेगा आपसे, ठीक है, आपको टेंशन में, मतलब आप अगर इस लाइव सेशन को हमारे कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से इतना नंबर, इतना से सवाल आपको आ जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बोलिए जल्दी से, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन दे रहे हैं जो। यस सर आ रहा है, चलिए। तो PTR का फुल फॉर्म हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात, कहते हैं पीपल टीचर रेशियो के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि BEO का विस्तार रूप क्या है, अब इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, BEO का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ब्लॉक शिक्षक अधिकारी के, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के, ब्लॉक स्कूल अधिकारी या नॉन ऑफ बीच, क्या होगा सही उत्तर बताइए, ठीक है ना, क्या होगा BEO का विस्तार रूप क्या होगा, ब्लॉक शिक्षक अधिकारी के, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के, ब्लॉक स्कूल अधिकारी, बताइए आप। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा कौन सा, बताइएगा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बताइएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कोई आदमी इसमें पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक कैसे मिलेगा, आप वीडियो जैसे ही एंड हो जाएगा ना तो हम कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसमें कहता है भारत देश में सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन का ये कहता है भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। 1968 में जब हमारे देश में सबसे पहली बार शिक्षा नीति आया हुआ था तो वह किसके समय शुरू किया गया था, यह बात हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। यह बात हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी पढ़ाए हुए हैं, शायद आपको याद होगा, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने चर्चा किया था कि 1968 वाला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो किसके समय में शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, इनमें से कोई नहीं। दिस इज वेरी गुड आंसर, हाँ सी इज़ द राइट आंसर। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का सरकार था 1964 में और उसी के समय में या 1964 में पहली बार हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो 15 नंबर का जवाब दीजिए, 15 नंबर क्या कहता है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, अभी तो बताए थे कि पहली बार 1968 में, दूसरी बार कब बताइएगा आंसर, दूसरी बार कब भाई बोलो ना जल्दी से, पहली बार तो किया गया था 1968 में लेकिन दूसरी बार कब किया गया बताइएगा, दूसरी बार किया गया हमारे पास कब, 1986 में, 1986 में दूसरी बार आया था, ठीक है। चलो सबका उत्तर बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू, कहता है SDP का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। SDP को हम लोग इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SDP का फुल फॉर्म होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राज्य विकास योजना या राज्य निर्माण योजना या स्कूल विकास योजना या स्कूल निर्माण योजना, क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा। SDP जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान, उसको हम लोग हिंदी में क्या उसका फुल फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे स्कूल विकास योजना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू होगी, हाँ बताइए आप नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू कब होगी ये बताइए, 2021-24 में कि 2021-23 में कि 2021-22 में कि 2021-23 में, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसका। तो नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू होगी, तो ये लागू होगा हमारे 2021-22 में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21-22 में मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बना है उसको 21-22 में लागू किया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम आपको इतना क्वेश्चन आपको करा देंगे ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, परीक्षा में कहीं से भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सवाल पूछा जाएगा तो आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेगा 18 नंबर क्या कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति, ठीक है ना, मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है बताइए। तो अभी तो बताएं हम आपको, शुरू में जब पढ़ा रहे थे उसी से मैं बताएं कि नया शिक्षा नीति का मसौदा समिति का अध्यक्ष मतलब किसकी अध्यक्षता में के समिति के रिपोर्ट पर यह तैयार किया गया था, आपको बताया है ना किसके अध्यक्षता में, तो डॉक्टर राधा कृष्ण स्वामी कस्तूरंगन जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा, कि कस्तूरंगन के नाम से जानते हैं राधा कृष्ण कस्तूरंगन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राधा कृष्ण स्वामी कस्तूरंगन, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट ADHD का फुल नेम बताइए, ADHD कहाँ है जी, ADHD किधर लिखा हुआ, किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं बाबू, ADHD का फुल फॉर्म किस संदर्भ में पूछ रहा है, ADHD का फुल फॉर्म तो बहुत होता है लेकिन किस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए, कहता है कि नया शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, हाँ इसको बताइए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है, हिंदी को कि उर्दू को कि संस्कृत को कि अंग्रेजी को, बताइए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो ख़त्म कर दिया गया है अंग्रेजी को, ठीक है, कक्षा 5 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर 4।
लेकिन कक्षा पाँच तक अगर सबसे अधिक किसी भाषा पर जोर दिया गया है तो आपको पहले ही बताएं मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा पर को सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए इस भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और किस भाषा को हटाने का चर्चा किया गया, हटा दिया गया, तो अंग्रेजी को। क्लियर है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। 20 नंबर में कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो हम आपको बताए हैं ना कि कितना ईस्वी तक यह बात का लक्ष्य रखा गया है कि बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन देने का प्रयास करना है, 2032 तक कि 2025 तक कि 2030 तक कि 2022 तक, बताइए। तो आपको बोले हैं ना कि 2030 तक यह सब लक्ष्य रखा गया है कि बच्चा को क्वालिटी एजुकेशन देना है, समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। डेट्स वाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2030 तक। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, मतलब जब MHRD मिनिस्टर का नाम बदलकर, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, प्रबंधन मंत्रालय कहते हैं, उसका नाम बदलकर जब शिक्षा मंत्रालय किया गया तो उसके सबसे पहले मंत्री कौन बने? अनुराग ठाकुर बने कि रमेश पोखरियाल बने कि सुरेश प्रधान बने कि नॉन ऑफ दीज, बताइएगा। तो उसके सबसे पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे, मतलब हमारे देश के जो अभी शिक्षा मंत्री है वो कौन है? रमेश पोखरियाल। और उसी MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री किया गया, और एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के सबसे पहले मिनिस्टर जो थे, सबसे पहले जो मंत्री बने वो रमेश पोखरियाल साहब बने हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलिए क्लियर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 22 नंबर में ये क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर में कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को हम बोले थे ना GDP के नाम से जानते हैं हम इसको, है ना। तो GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो यह तो आपको पता ही होगा, अभी अभी बताएं हम आपको, बताइए आप लोग कितना परसेंट, 6% खर्च किया जाएगा। इसीलिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन पर जवाब दीजिए। 23 नंबर क्या कहता है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 5 से कि कक्षा 6 से कि कक्षा 7 से कि कक्षा 8 से, बताइएगा। वोकेशनल कोर्स की शुरुआत कब से किए जाने के बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है, किस क्लास से, तो कक्षा 6 से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरे बाबू, कक्षा 6 से बच्चा को वोकेशनल कोर्स की कक्षा शुरू करने की अनुमति दिया गया है। इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चा को टेक्निकली लाइन से जोड़ने का प्रयास करना है, जिस विषय वस्तु में बच्चा को रुचि होगा वह कोर्स वह कर सकेगा, कक्षा 6वीं क्लास से भी अपने लक्ष्य को वह निर्धारित कर सकता है कि अगर हमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग वाला वोकेशनल कोर्स उसको शुरू से कराया जाएगा, किसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाला वोकेशनल कोर्स उसको शुरू से कराया जाएगा। मतलब वोकेशनल कोर्स करने के लिए बच्चा कक्षा 6वीं से ही एलिजिबल है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। अब आइएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, जब हम आपको NCF 2005 पढ़ाए थे तो शायद आपको याद होगा, उसमें हमने बताया था कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड अभियान की शुरुआत 1986 में, जब हमारे देश में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उस समय ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड अभियान की शुरुआत की गई थी, याद है आप लोग को, जब हम NCF पढ़ाए थे तो बताए थे। वहीं वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1900 कब लागू किया गया था, बताइएगा। 1987-88 मान सकते हैं, मतलब ये तो आ गया 1986 वाला में ही, लेकिन लागू हुआ था 87-88 में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 1987 से 1988। हालांकि 1986 में ही यह पारित हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है लागू करने की बात, लागू हुआ था 1987-88 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब क्या हुआ, देखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है,
कितने स्तर में बांटा गया बताएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया है। कितने स्तर में? 3 स्तर में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कन्फर्म नहीं है ओम प्रकाश मिश्रा, क्या कर रहा है, कन्फर्म नहीं है। तो चलिए इसको जो है नई शिक्षा नीति जो 20 के तहत में स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है, तो 3 स्तर में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। हाँ, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, चूँकि हमारे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति तो 1986 में आया था, सबसे पहले तो 1968 में आया, दूसरी बार 86 में आया, लेकिन 86 के बाद एक बार हमारे शिक्षा नीति में संशोधन भी हुआ था, और वो दूसरी बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था उसी में संशोधन हुआ था। वो संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, 1992 में, और वो द्वितीय शिक्षा नीति में ही संशोधन किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय शिक्षा नीति, मतलब द्वितीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था। ठीक है ना, PDF हम डाल देंगे विकास कुमार, PDF जस्ट क्लास के बाद में हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर, ऐसे भी हम टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसमें सारा अपडेट देते रहते हैं, शिक्षक बहाली से लेकर के जितना अपडेट होता है एजुकेशन रिलेटेड जो भी अपडेट है, सीटेट बीटेट एस्टेट शिक्षक बहाली से लेकर के हर एक अपडेट हम टेलीग्राम में डालते हैं। तो टेलीग्राम लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम अपना एक लिंक दे देंगे और लिंक के बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करते हैं, आगे है हिमांशु, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। ठीक है, 1992 में संशोधन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आइएगा, अब आप जब PDF लीजिएगा तो हम सारा का उत्तर भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप आराम से यहाँ से उत्तर देख लीजिएगा, आंसर भी हमने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत समस्या ना हो। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, नेशनल न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है ना, ये जो 5+3+3+4 मॉडल जो है वो आखिर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो पढ़ लिया है कि यहाँ 5+3+3+4 मॉडल है, लेकिन ये 5+3+3+4 क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कहता है 5 ईयर्स जो है फंडामेंटल कोर्स में रखा गया है कि बच्चा अगर नर्सरी में होगा, ठीक है ना, तो 4 साल में उसको नर्सरी में भेजना है, जूनियर केजी में 5 साल में भेजना है, सीनियर केजी में उसको 6 साल में भेजना है, क्लास 1 में उसको 7 साल में भेजना है, क्लास 2 में 8 साल में भेजना है। ठीक है ना, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 5 ईयर जो फंडामेंटल हो गया वो कौन हो गया हमारा बताइएगा, 4 साल से बच्चा को स्टार्ट करना है पढ़ाना और 8 साल तक वो क्लास 2 में चल जाना चाहिए, मतलब ये हो गया 5। देखो आप नर्सरी, फिर जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, फिर क्लास 1 क्लास 2, कुल मिलाकर कितना हो गया 5। ठीक है, 5 के बाद में अब आता है दूसरे नंबर पर 3। फिर अब 3 में देखेगा नीचे की तरफ हमने आपको 3 दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 3 में आपको क्या कहता है, क्लास 2 तक यहाँ पर बगल में देखिए 3 ईयर्स, 3 ईयर जो है ना प्रॉपर्टी में, इसमें देखिएगा क्लास 2 तक तो हम 8 ईयर्स तक करा दिए, फिर क्लास 3 में बच्चा जाएगा कहाँ पर बताइएगा, क्लास 3 में 9 ईयर में, 9 ईयर में जाएगा क्लास 3 में, 10 ईयर में जाएगा क्लास 4 में, और 11 ईयर में जाएगा बच्चा क्लास 5 में। ठीक है ना, तो ये 3 ईयर्स का हमारा प्लान हो गया। तो पहला ये था हमारा 5, दूसरा था 3, और फिर उसके बाद में कक्षा 5 तक बच्चा जब पढ़ लिया तो फिर कक्षा 6 से इसमें आएगा, किसमें, तो तीसरा वाला में, जिसको हम लोग 3 ईयर्स मिडिल बोलेंगे, मिडिल प्लान, इसमें कक्षा 6 में बच्चा जाएगा 12 साल में, कक्षा 7 में बच्चा जाएगा 13 साल में, और कक्षा 8 में बच्चा जाएगा 14 साल में। ठीक है, तो 5+3+3 और उसके बाद में क्या था 4। 4 में देख लीजिए क्या कहता है, 4 ईयर्स सेकेंडरी प्लान इसको हम बोलेंगे, जिसमें बच्चा 15 साल में जाएगा 9th में, और 16 साल में जाएगा 10th में, और 17 ईयर्स में जाएगा 11th में, और 18 ईयर में जाएगा 12th में। इसी को हम लोग 5+3+3+4 मॉडल के नाम से जानते हैं, जो 10+2 मॉडल को हटा करके 5+3+3 मॉडल जो रखा गया था, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसका मेन रीज़न यही है कि 5+3+3 आखिर क्या है, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बोलिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया, पहले बताओ। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा हो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी सवाल जवाब होंगे वो हम आपके सामने कर दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और दूसरा ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छा लगा होगा, आपका नोट आपको नोट्स भी अच्छा लगा होगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, एन टीचिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ करके आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप हमारे इस वीडियो को भी रिसीव कर लीजिएगा, आपके टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से आपको अगले क्लास में, अगले लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रात्रि शुभ हो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। समझ में आया सबको, एक बार बता दो फीडबैक, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ, अब तो छूटेगा नहीं ना। हाँ नोट्स तो हम डाल देंगे बेटा, नोट्स तो डाल ही देंगे, ठीक है। पहले ये बताओ जो नोट्स हमने आपको दिया, जो नोट्स पीडीएफ पढ़ाया, जो समझाया बताया समझाया सिखाया, वो चीज़ें समझ में आ गया? कुल एक घंटा क्लास हमको लगा, 9 बजे से चालू किए थे, 10 बज गया, एक घंटा इसको हमको समझाने में लगा, लेकिन चीज़ें समझ में आया ना? लाजवाब लगा सर, ठीक है सर, रोज ऐसे ही क्लास रखिएगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, जहाँ तक हमसे होगा हम आपके लिए सार्थक प्रयास करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मन होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो उनको, वो भी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेंगे तो सीट में 2-3 नंबर उनका बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से आपको अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। मुहर्रम की छुट्टी है कल बैच में, आप लोग मुहर्रम मनाइए, सभी को मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के प्यारे छात्र हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मुहर्रम की, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जीवन में माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ, थैंक यू सो मच।